नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप लोगों का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आपसे बात करने के लिए। सन 2021 में मकर संक्रांति कब है, मकर संक्रांति का ऐतिहासिक महत्व क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको विदित हैं, मकर संक्रांति हमारे धर्म का, हमारे हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे भारत और नेपाल में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, यह जो त्यौहार है, पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं तब इस त्यौहार को मनाया जाता है। दोस्तों, यह त्यौहार हर वर्ष जनवरी माह की 13, 14 व 15 तारीख में ही होता है, क्योंकि इसी दिन जो सूर्य भगवान हैं वो धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य की उत्तरायण गति भी प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों, इसलिए इस पर्व को कहीं कहीं उत्तरायणी भी कहते हैं। बात की जाए दोस्तों, यह त्यौहार जो है भारतवर्ष तथा नेपाल के सभी प्रांतों में अलग अलग नामों भांति के रीति रिवाजों, अपनी परंपराओं के द्वारा भक्ति एवं उत्साह के साथ बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, यही एक ऐसा त्यौहार है जिसको भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी मनाया जाता है। जैसा कि आपको विदित है दोस्तों कि तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से मनाते हैं, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। बात की जाए अन्य प्रदेशों की दोस्तों, हरियाणा और पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में मनाते हैं, जो कि एक दिन पूर्व 13 जनवरी को ही मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों, यह मुख्य रूप से दान का पर्व है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इस दिन गंगा में स्नान करने के बाद दान देने की भी परंपरा, रीति रिवाज, प्रपाठी मर्यादा है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस दिन गंगा स्नान करके तिल के मिष्ठान आदि को ब्राह्मण व पूज्य व्यक्तियों को दान करता है, उसके जीवन में हमेशा ही सफलता मिलती है। दोस्तों, इस पर्व में गंगा एवं रामगंगा घाटों पर बड़े बड़े मेले भी लगते हैं। बात की जाए दोस्तों बिहार की, तो बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दिन दोस्तों उड़द, चावल, तिल, चिवड़ा, गौ, स्वर्ण, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि का दान करने का अपना अपना महत्व है, लोग दान भी करते हैं। दोस्तों, बात की जाए दोस्तों मकर संक्रांति का ऐतिहासिक महत्व के बारे में, तो दोस्तों जैसी हमारी परंपराओं में हमने सुना है कि इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं, क्योंकि शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको महाभारत में पता है कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह का त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। दोस्तों, जैसा एक श्लोक आता है कि मकर संक्रांति में शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि अर्थात नकारात्मक का प्रतीक तथा उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मक का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्रद्धा, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, ऐसी परंपरा है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। जैसा कि हम आपको एक श्लोक बता रहे हैं, माघे मासे महादेवरु यो दाश्यत घृत कंबलम स भुक्त्वा शकलान भोगान अन्ते मोक्षम प्राप्यति। कहने के तात्पर्य दोस्तों, इस दिन अगर दान किया जाता है तो उस दिन व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान एवं गंगा तट पर दान को अत्यंत शुभ माना गया है। इसीलिए इस पर्व पर तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान को महास्नान की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, अगर आपके पास ऐसी सुविधा ना हो कि आप जाकर गंगा जी या किसी तीर्थ में स्नान कर लें, तो घर के ही बाल्टी में पहले गंगा जल डालें या किसी भी तीर्थ स्थल का जल डाल के उसमें जल डालकर तेल डालकर स्नान करें, आपको उसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस वर्ष जो मकर संक्रांति पड़ रही है,
14 जनवरी को ही है, 14 जनवरी 2021 को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा, दिन गुरुवार रहेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगे, अच्छी लगे प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।